हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शाइनिका किचन आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए नवरात्रि में बनने वाली कुछ रेसिपीज लेकर आई हूँ काले चने उसी के साथ साथ पूड़ी और हलवा जिसे बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ 30 मिनट में आप इसे बनाकर रेडी कर लेंगे उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर काले चने बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक कप काले चने को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था सुबह मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और ये काफ़ी फूल गए हैं तो अब हमें इन्हें कुक करना है तो कुकर में हम डाल देंगे ये सारे काले चने उसी के साथ साथ एक टी स्पून यहाँ पर नमक डाल देंगे हम और यहाँ पर अब मैं थ्री फोर्थ कप पानी डाल रही हूँ अब हमें इसे पकाना है तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे कम से कम सात से आठ मिनट के लिए पकाइएगा या फिर जब तक पूरे अच्छी तरीके से काले चने पक ना जाए ना तब तक हमें इन्हें पकाना है तो चलिए अब काले चने के लिए एक मसाला भी बना लेते हैं तो देखिए पैन में मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल उसमें मैंने अब डाला है एक टीस्पून स्पून ज़ीरा जैसे वो हल्का सा गर्म हो जाएगा ना यहाँ पर हम एक इंच अदरक के टुकड़े को ऐसे लंबाई में काट लेंगे और दो से तीन यहाँ पर हरी मिर्च डालना है इन सबको हम एक मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे इनका कलर ज़्यादा चेंज मत करेगा एक मिनट के बाद देखिए यहाँ पर वन फोर टी मैंने डाल दिया है हल्दी उसी के साथ साथ मैं अभी डाल रही हूँ एक टी स्पून धनिए का पाउडर और आधा टी स्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है इन सबको अच्छी तरीके से भून लियेगा और फ्लेम बिल्कुल लो पे होना चाहिए आपके मसाले जलने नहीं चाहिए यहाँ पर मसाले अच्छी तरीके से भून चुके थे तो यहाँ पर मैंने अभी जो हमारे काले चने जो उबाल के रखे थे ना वो सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं पानी के समेत ही डालिएगा क्योंकि जो पानी हमने यहाँ पर काले चने उबालने में यूज़ किए थे ना वो पूरा पानी आप इसमें डाल दिएगा अब आपको इसमें आधा टी स्पून डालना है आमचूर पाउडर मिक्स करिए और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अब आपको उबालना है तो यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं ना ये पानी पूरा ड्राई हो जाना चाहिए जब ये पानी ड्राई होगा ना तो जितने भी मसाले हमने डाले थे ना वो हमारे काले चने के ऊपर कोटिंग हो जाएगा उनका तो देखिए यहाँ पर अब पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है बीच बीच में चलाते रहिए तो देखिए यहाँ पर अभी पाँच मिनट हो गया पाँच मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है सब कुछ ड्राई हो गया मसाला ऊपर से अच्छी तरीके से हमारे काले चने में कोटिंग हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता डाला है मिक्स कर देना है गैस को कर दीजिए ऑफ और हमारे व्रत वाले काले चने बनकर रेडी हो गए हैं तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं तो देखिए कितने मिनटों में ये बनकर रेडी हो गए ना ही हमने यहाँ पर प्याज का यूज़ UH, किया है ना ही यहाँ पर हमने लहसन का यूज़ किया है तो चलिए अब इसे सर्व कर लिया है मैंने तो चलिए अब इसके साथ हम लोग हलवा भी बना कर रेडी कर लेते हैं तो देखिए पैन में यहाँ पर मैंने तीन से चार टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी देसी घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी अब हमें इस सूजी को अच्छी तरीके से देसी घी में भूनना है एक बात का ध्यान रखिएगा कि हलवा हमेशा देसी घी में ही अच्छा लगता है और जितना देसी घी डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपका हलवा भी बनेगा तो इसे अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे और फ्लेम आपका लो और मीडियम पे होना चाहिए इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और काजू स्लाइस करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं ताकि वो भी अच्छी तरीके से भुन जाए तो यहाँ पर तकरीबन आपको सात से आठ मिनट लगेगा लो मीडियम फ्लेम पे अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर जो मैं कप यूज़ कर रही हूँ वो आधा कप है तो यहाँ पर आधा कप सूजी के लिए डेढ़ कप पानी आपको यूज़ करना है जिस कप से आप सूजी नापेंगे ना उसी कप से आपको पानी भी लेना है यहाँ पर पूरा डेढ़ कप पानी डाल दिया है उसी के साथ साथ आधा कप यहाँ पर चीनी डाल दिया है लो फ्लेम पर बिल्कुल पाँच मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए मिलाइएगा मत ताकि सूजी जो है ना वो फूल जाए पाँच मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी फूल चुकी है और यहाँ पर चीनी भी मेल्ट हो गई है तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अब इसे ढकने का ज़रूरत नहीं है आपको इसे मिक्स कर लेना है और इसे तब तक पकाइए जब तक ये एक हलवे की कंसिस्टेंसी तक ना आ जाए मतलब ये पैन छोड़ने लगेगा ना तब तक हम इसे पकाएंगे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है चीनी मैंने यहाँ पर आधा कप यूज़ है आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं दो तीन मिनट के बाद आप देखेंगे जो हलवे में पानी है ना वो काफ़ी ड्राई आउट हो गया है और सूजी और ज़्यादा फूल चुकी है तो देखिए कितने अच्छे बबल्स भी आ रहे हैं इसमें इसे मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी काफ़ी ड्राई आउट हो गया है मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा और एक टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आधा टी डाल रही हूँ इलायची का पाउडर गैस को अब आपको ऑफ़ कर देना है और इसको अच्छी तरीके से मिलाइए ताकि इलायची का जो फ्लेवर है ना वो हमारे सूजी के हलवे में लास्ट तक बना रहे यहाँ पर मिक्स कर दिया है और देखिए बढ़िया सा हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो गया है तो चलिए अब इसे भी सर्व कर लेते हैं कोई कोई लोग सूजी का हलवा थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं बट मेरे को इस कंसिस्टेंसी का जो हलवा है ना बहुत पसंद है आप चाहें तो इसके ऊपर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनकर रेडी तो चलिए अब यहाँ पर पूड़ी का आटा भी लगा लेते हैं तो देखिए एक कप मैंने लिया है आटा उसमें डाल देंगे आधा टी स्पून नमक और यहाँ पर एक टी स्पून ऑयल डाला है पहले इन सबको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको एक सख्त आटा गूंद के रेडी करना है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा सख्त थोड़ा सा हार्ड गूंदा जाता है तभी वो अच्छी तरीके से बेला भी जाता है और अच्छा एक शेप भी आता है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है एक साथ सारा पानी मत डालिएगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और एक सख्त आटा बनाकर रेडी कर, कर लीजिए इस आटे को आपको रेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे अच्छी तरीके से अभी दो तीन मिनट इसी तरीके से गूँधेंगे ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए तो आप देखिए कितना अच्छी तरीके से मैं आटा गूँध रही हूँ थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ही चिकना हो गया है आप देखिए और हार्ड भी है बस इतना ही आपको गूंदना है इसको रेस्ट नहीं देंगे हम अब आपको क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए तो आपके घर में जितनी बड़ी पूड़ी खाते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर लोइयों को तोड़िएगा बट व्रत में हमेशा छोटी पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं तो यहाँ पर देखिए मैं सारे लोइयों को ऐसे तोड़कर रेडी कर लेती हूँ दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हर घर में अलग अलग तरीके से खाने को बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट भी किया जाता है तो देखिए यहाँ पर मैं अभी सारी लोइयों को ऐसे राउंड करके थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी अगर आप ये स्टार्टिंग में करके रख लेंगे ना तो जब आप पूड़ियाँ बेलेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा तो यहाँ पर मैं अभी सारी लोइयों को इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ अब इसे कवर कर देना है ढकीयेगा वरना ये ड्राई आउट हो अब आपको अपने चकले और बेलन में हल्का सा तेल लगा लीजिए ताकि आपकी लोइियाँ है ना बिल्कुल भी चिपके ना अब आपको एक लोई उठाना है और उसको ऐसे बेलना है तो पूड़ियाँ हमेशा साइड से बेली जाती हैं कॉर्नर से बेली जाती हैं बीच से कभी मत बेलिएगा वरना आपकी पूड़ियाँ अच्छी नहीं रोल होंगी तो देखिए यहाँ पर मैं एक साइड से ही पूड़ी को बेल रही हूँ पूड़ियाँ देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बेली गई हैं आप देख सकते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आप ऐसे बेल कर इसको एक प्लेट में लगा लीजिए फिर इकट्ठा आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बेलिए और डायरेक्ट फ्राई कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक और पूड़ी कैसे बेल रहे हैं और आप देखिए मैं एक साइड से ही पूड़ी को बेल रही हूँ इसलिए उसमें एक अच्छा सा शेप भी आ रहा है अगर आप बीच से पूड़ियों को बेलेंगे ना तो बीच से पतली हो जाती हैं और साइड से मोटी रह जाती हैं तो यहाँ पर देखिए हर बार मैं पूड़ी को हल्के से तेल में डिप करके उसके बाद ही मैं बेल रही हूँ तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि रोल हो रही हैं तो देखें यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत पूड़ियों को ऐसे बेल कर प्लेट में रख लिया है तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं तो पैन में यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है तो ऑयल मेरा हाई फ्लेम पर गर्म हो रहा था यहाँ पर छोटा सा पीस मैंने आटे का डाला है और आप देखिए तुरंत ही वो ऊपर आकर सिक रहा है तो इसका मतलब जो तेल है वो अच्छा गर्म है गर्मा गर्म तेल में आप डालिए एक पूड़ी और इसको तुरंत ही इसके ऊपर आप तेल को डालेंगे ना पूरी के ऊपर तो ये ऐसे फूल जाती है बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देखिए ना कितना गुब्बारा जैसा फूल गया है ये तो ये खास ट्रिक है हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो पूरी का तेल है ना वो बहुत गर्म होना चाहिए अच्छा गर्म चाहिए हमें और उसमें पूरी को डालते ही आप पूरी के ऊपर तेल गर्मा गर्म गरम तेल डालेंगे ना तो वो अपना आप ही फूलने लग जाती है तो मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ देखिए ये ऊपर तैर के आ गई और तुरंत आप इसमें अगर गर्मा गर्म गरम तेल डालेंगे तो ये ऐसे बलून के जैसे फूल जाती हैं तो पूड़ियाँ बनाना बहुत ही आसान है छोटी मोटी ट्रिक्स है जो अगर आप फॉलो करेंगे ना जैसे कि आटा हमेशा सख्त गूंदिए दूसरी बात तेल हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए और जैसी आप पूरी को डालें आप उसके ऊपर तुरंत गर्मा गर्म तेल डालिए तो उससे क्या होगा जो आपकी पूड़ी है ना वो फूल जाती है बिल्कुल गुब्बारे के जैसी तो देखिए यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो रही हैं दोस्तों आज जो रेसिपी मैंने नवरात्रि की आपके साथ शेयर करी है ना वो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं या फिर जो पहली बार नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है वो हर घर में नवरात्रि के दिनों में बनाई जाती है तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी काले चने भी हमने इतनी आसान तरीके से बना लिए हलवा भी बना लिया पूड़ी भी बना ली है और इन सब को बनाने में सिर्फ मेरे को आधा घंटा ही लगा है उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह नवरात्रि की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिए उसके अपोजिट जो बेल का आइकन है ना उसे भी क्लिक करेंगे तो मैं जितनी भी रेसिपीज डालती हूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको आएगा बस जब नोटिफिकेशन आए आप उसे क्लिक करिए और मेरी रेसिपीज देख सकते हैं तो चलिए अगली और अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी तब तक के लिए Bye bye, ta-da, take care.